में लचक पैदा करे। जब से एयर स्ट्राइक हुई है तालिबान के ऊपर, उसी समय से पाकिस्तान का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि अमेरिका यहाँ से जा रहा है तो एयर स्ट्राइक नहीं करेगा, और जब एयर स्ट्राइक होने लगी तो पाकिस्तान आर्मी और ISI को चक्कर आना शुरू हो गया, क्योंकि सारी उनकी गेम और प्लान फेल होते नजर आ रहे हैं। वो चाहते थे कि अमेरिका यहाँ से चले जाए और अमेरिका और पाकिस्तान वहाँ पर आके इंडिया को वहाँ से निकाल दे। जब से एयर स्ट्राइक हुई है इनके सारे सपने चकनाचूर होते नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ हिलाली साहब ने जब ये पूछा कि क्या ये हमारी एयर स्पेस यूज़ कर रहे हैं, तो TV स्टूडियो ने उनकी आवाज़ म्यूट कर दी। इससे पता चलता है कितनी ज़्यादा सेंसरशिप है पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर। इन्हें ये डर लगा रहता है गलती से हमने आर्मी के खिलाफ या फिर कुछ भी ISI के खिलाफ हमारे मुंह से निकल गया तो इसका अंजाम इन्हें भुगतना पड़ेगा। और साथ ही साथ दूसरे वीडियो में ये भी पता चल रहा है कि इंडिया अमेरिका को इस पूरे रीजन के अंदर किस तरीके से ताकतवर बनाना चाहता है, जो इसे देख के पाकिस्तान और चाइना के पेट में मरोड़ उठ रही है। इन लोगों को ये भी दुख है अमेरिका भारत को टेक्नोलॉजी दे रहा है और बड़े बड़े हथियार, जिसकी वजह से भारत चाइना को काउंटर कर पा रहा है, और इस बात का ये कुछ कर भी नहीं सकता सिवाय स्टूडियो में बैठ के रोने के अलावा। पाकिस्तान आर्मी भी खुद हिम्मत हार चुकी है और चाइना में तो हिम्मत है ही नहीं कि इसका कोई जवाब दे सके। भारत अमेरिका का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, जिसकी वजह से भारत और अमेरिका के संबंध आगे जाके और भी अच्छे होने वाले हैं और पाकिस्तान और चाइना के और भी मिर्ची लगेंगे भविष्य में, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर ही नहीं रुकनी। भारत और अमेरिका आगे जाके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में भी काम करने वाले हैं। इसी की वजह से पाकिस्तान की रात की नींद उड़ी हुई है। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।